दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रितु शर्मा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रितु शर्मा, एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपने फील्ड में, 20 साल का लंबा सफ़र, और हम लोग अक्सर इनके साथ अपने पंजाब प्लस पे इनको लेते रहते हैं। हमने एक बार इनसे जो है फैटी लीवर के बारे में, PCOD के बारे में बातें की हैं, और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आर्थराइटिस है। रितु जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे आर्थराइटिस, जो कि एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसमें पेशेंट को एक बार आर्थराइटिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको बाद में इसको ठीक करना, क्या कहना चाहेंगे? आर्थराइटिस सबसे पहले तो कई बार होता है कि सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस होता है और एक होता है सीरो पॉजिटिव आर्थराइटिस, जिसमें RA फैक्टर पॉजिटिव आता है, यूरिक एसिड बड़ा होता है, दैट इज़ गाउटी आर्थराइटिस। बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, लेकिन पेशेंट को क्या होता है, पेन फील होता है जॉइंट्स में, बोन्स में, चलने में दिक्कत आती है, बेंडिंग में दिक्कत आती है, और आजकल तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के इतने केसेस आ चुके हैं कि नी रिप्लेसमेंट इतनी कॉमन हो गई है कि एवरी थर्ड पर्सन इज़ रेडी टू गो फॉर द नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। तो होम्योपैथी अगर आप टाइमली स्टार्ट कर देते हैं, आप वो सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं। होम्योपैथी प्लेज़ अ वाइटल रोल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे कि नो डाउट कि वो कहते हैं कि हमने गुड्डे बदला लिए, हमने जो जॉइंट है वो रिप्लेस करा लिया, लेकिन मसल तुम्हारी वही रहनी है। क्या कहना चाहेंगे कि हम होम्योपैथी वाले मसल्स पे काम करते हैं, हमारा माइंड ये है कि उनकी मसल्स स्ट्रांग हो, अगर मसल स्ट्रांग है तो फिर आर्थराइटिस तो अपने आप ही जो है काफ़ी हद तक ठीक होता। बिल्कुल, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस मसल्स एंड बोन्स बोथ आर इन्वॉल्व। ऑस्टियो मींस बोन्स एंड आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स को जोड़ के किसने रखना है, मसल्स ने, टेंडन्स ने, लिगामेंट्स ने, तो ये सब इकट्ठे ही रोल प्ले करते हैं। और होम्योपैथी जो है मसल्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को, बोन्स को, हमारी इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि हर पार्ट पे वर्क करके उसको रिजुविनेट करती हैं, उसको यू नो दोबारा एक नई लाइफ देती हैं, और सर्जरीज को अवॉइड किया जा सकता है। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने गुड्डे चूल्हे बदलने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे तो आप लोग वैसे ही उसको क्योर कर देते हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ स्टेज वाले भी अगर आपके पास आ जाते हैं तो उनको भी आप प्रोलॉन्ग कर देते हैं उस चीज़ को? बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले तो रिवर्स हो जाते हैं डेफिनेटली, उनको रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इफ़ द पेशेंट इज़ वेरी मच पेक्यूलियर अबाउट हिज मेडिसिन, अपनी मेडिसिन बहुत ही रेगुलर और रिलीजियसली खाते हैं, तो उनका डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के होते हैं उसमें गैप काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसमें हम प्रोलॉन्ग कर देते हैं, उनकी पेन कम हो जाती है और लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, ताकि हमें रिप्लेसमेंट अवॉइड कर सकें, हम रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर सके। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर रितु का जो क्लिनिक है, जिसमें अक्यूपंचर, जिसमें डाइट चार्ट्स, जिसमें एक्सरसाइज, जिसमें मेडिसिन, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है हर चीज़ के लिए, और वो सारी चीज़ें मिलकर एक जिंदगी देते हैं उस पेशेंट को? बिल्कुल, देखिए एक्यूप्रेशर, डाइट, लाइफस्टाइल जैसे मैंने आपको बोला, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, किसी का RA फैक्टर बहुत बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन में मिलके उस पर्सन को एक बहुत ही हेल्दी पर्सन बना देती हैं। अब मेरे पास एक्यूप्रेशर के पेशेंट्स आते हैं जिनका सर्वाइकल इतना बड़ा होता है कि दे आर यूजिंग द कॉलर्स यूज़ करके आते हैं और हंसते खेलते यहाँ से जाते हैं, विद इन 3 सिटिंग्स दे गेट वेरी मच बेटर। रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और दर्शकों, हम लोग रितु जी से बने रहते हैं और नए नए टॉपिक लेकर आएंगे और इनकी सेवाएं हम लेंगे। रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जब आप डॉक्टर रितु से मिले, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। स्टेज ये थी कि पेन बहुत थी मुझे, मैं चल भी नहीं सकती थी, आई वॉज जस्ट 75% बेड रिडन, सिनोवियल फ्लूइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद मेरा मन नहीं माना,
आई डिडंट गो फॉर सर्जरी. तो आई केम टू नो अबाउट डॉक्टर रितु. तो इनके पास से मेरा ट्रीटमेंट चला. तो उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ गया है कि आई एम रियली फाइन एंड आई कैन डू माई ऑल द वर्क. आई डोंट फील आई एम सिक. आई वॉज सिक. आई डोंट फील नाउ. आई फील वेरी नॉर्मल नाउ. क्या कहना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के इस स्टेज के पेशेंट जो हैं वो बहुत ही दर्द से करा रहे हैं, अगर वो एक बार आकर तुमसे मिल लें? ओह या डेफिनेटली डेफिनेटली दे विल बी ऑलराइट. आई रिकमेंड मेनी पीपल. सम ऑफ देम दे कम, सम ऑफ देम दे डोंट कम, बट आई रिकमेंड मेनी पीपल बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स. कि आप यहाँ सेवा करते हैं उसके साथ साथ आपका स्टाफ भी बहुत ही पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिविटी में रहता है और जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए एक बढ़िया नेटवर्क है यहाँ पर. क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. मेरे स्टाफ में सबसे पहले आती हैं सपना, जो कि मेरी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से हेल्प करती है, मेरी एक्यूप्रेशन में बहुत अच्छा हेल्प करती है और टोटली मैनेज मेरा इसी के ऊपर है. सो थैंक्स टू सपना. थैंक्स.